हेलो एवरीवन, तो हम आ गए एक और नई वीडियो में ऑल द मॉड्स 9 हार्ड कोर के। और पिछले पार्ट में हमने बनाया था एक्सट्रीम रिएक्टर मॉड्स का एक रिएक्टर जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जी जनरेट कर रहा है, और मैंने इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी कर दिया है। एनर्जी हमारे पास आ गई है, तो अभी हम बनाने वाले हैं आज की वीडियो में एक मैकेनिज्म मॉड का ओर प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं अपनी ओर्स को जो भी हम माइन कर रहे हैं उनको दो गुना, तीन गुना, चार गुना तक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी पड़ेंगी, केमिकल्स, मशीनें बनानी पड़ेंगी। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं और प्रोसेसिंग सिस्टम मैकेनिज्म मॉड का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम को। और इसके लिए हमें, जैसे कि ये ओट्स हैं इनको यूज़ में जाते हैं, तो इसके लिए हम केमिकल इंजेक्शन चैम्बर, एक मशीन बनती है और उसमें हम इन ओट्स को डालते हैं, तो हमें मिलते हैं 3 ओट से 8 शार्ड, यानी कि हमारे पास 3 गुना हो जाएंगी, और लगभग 3 गुना हमारे पास ओट्स हो जाएंगी। तो ये सिस्टम हम बनाने वाले हैं इसकी हेल्प से। और इसकी हेल्प से, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक केमिकल है, और इसको भी हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं मशीनों को। तो सबसे पहली चीज़ तो बनेगी हमारी एक थर्मल इवेपोरेशन चैम्बर, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस स्टील और कॉपर चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम एक इवेपोरेशन, ये ब्लॉक बनाएंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे इसके दो वॉल्व इनपुट और आउटपुट के लिए। तो दो वॉल्व आ जाएंगे हमारे, दो वॉल्व आ गए हैं। इसके बाद आ जाएगा एक थर्मल इवेपोरेशन कंट्रोलर जो कि इस पूरी मशीन को कंट्रोल करेगा। और इसके बाद हमें थोड़े से एडवांस सोलर पैनल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए एनर्जी भी चाहिए। और इसके बाद हमें बनाना है एक इन थर्मल इवेपोरेशन ब्लॉक से 4x4 का एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से। और इसके बाद हमें लगा देना है इसकी एक साइड पे, सामने की साइड, ये कंट्रोलर, और इसके बाद इसकी दो साइड में हमें एक साइड एक वॉल्व, दूसरी साइड में दूसरा वॉल्व, इस तरीके से दो वॉल्व लगा देने। और बाकी ये चीज़ों को, बाकी एरिया को हमें एक वॉल बना देनी है थर्मल इवेपोरेशन ब्लॉक से, इस तरीके से हमें ये ब्लॉक से वॉल वॉल बना देनी है। और इन वॉल को हम जितना ऊंचा बनाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज इसकी बढ़ती चली जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगी। तो हमें इसको काफ़ी ऊंचा बनाने वाले हैं, तो जल्दी से बनाते हैं। और काफ़ी इनफ होने के बाद में, इसको बनाने के बाद में हम इसके कॉर्नर ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। इन कॉर्नर ब्लॉक्स को तोड़ देंगे हम यहाँ से, और इनकी जगह हम लगा देंगे ये सोलर पैनल जो कि इसको एनर्जी देंगे, क्योंकि ये एनर्जी चलता है, एनर्जी से इसमें हीट जनरेट होती है और उस हीट से ये चलता है। तो ये एडवांस सोलर पैनल हम इसमें लगा देते हैं जल्दी से। तो ये आ गए हैं एडवांस सोलर पैनल, और अभी ये स्टार्ट कर देगा काम करना। तो ये हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, बाकी सारे ब्लॉक ये फालतू के तोड़ देते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया है, और इसमें एनर्जी भी आ गई है, हीट भी आ गई है। और अभी इसकी एक साइड में सिंक लगा के फ्लूइड पाइप से इसके अंदर पानी डाल देना है इस तरीके से, और इसका अपग्रेड डाल के कर देंगे सेट। तो इसके अंदर पानी आ जाएगा और इससे बन जाएगा ब्राइन, जो कि मेन चीज़ है आगे प्रोसेसिंग के लिए। तो ये ब्राइन बन के तैयार हो चुका है, और अभी हमें बनाना है एक इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर जो कि इस ब्राइन को सेपरेट करेगा क्लोरीन में और सोडियम में, इन केमिकल्स को सेपरेट करेगा। तो क्लोरीन हमें चाहिए, मेन सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है जो। तो इसका भी हम आउटपुट दे देते हैं यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर में, और इसमें अपग्रेड डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर में, स्पीड और एनर्जी अपग्रेड। और अभी इसको एनर्जी दे देंगे तो ये मशीन भी काम करना चालू हो जाएगी, बाकी के ये ब्लॉक लगा देते हैं। तो अभी ये बन के तैयार हो गई है, और इसके अंदर क्लोरीन आ गया है, और इस वाले को हम कर देते हैं डंपिंग एक्सेस, तो बाकी फालतू के को डंप कर देगा। और इसके बाद हमें बनाना है एक और मशीन जो कि है केमिकल इन्फ्यूज़र, जो कि दो केमिकल्स को कंबाइन करता है। तो इसको हम इसके जस्ट राइट साइड में लगा देंगे, और साथ में एनर्जी भी दे देंगे। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा क्लोरीन, और इसके जस्ट बगल में राइट साइड में हम लगा देंगे एक और इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर, जिसकी ऊपर हम लगाएंगे एक और ये सिंक जो कि पानी इस वाले से, इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर से, हम
हम देंगे इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को ये सेपरेट करेगा, तो हम इसको सेट कर देंगे। और इसमें भी हम स्पीड और एनर्जी अपग्रेड डाल देते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगी और क्लोरीन भी आ जाएगा, तो इसके अंदर बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हमें चाहिए होता है। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के बाद में हमें बनाना है एक केमिकल इंजेक्शन चैम्बर, और इसको हम अपग्रेड कर देंगे एक फैक्ट्री में, जिसके जो भी मैक्स अपग्रेड है वो हम डाल देते हैं, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। और इसका हम इसके बीच वाली मशीन के ऊपर लगा देते हैं और ओर्स का इनपुट इसमें दे देंगे। और जैसे ही हम इसका ओर का इनपुट इसमें डालेंगे इस केमिकल इंजेक्शन चैम्बर में, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज़ करके उस ओर्स को उनको प्रोसेस कर देगा और शार्ड में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद हमें बनाने एक प्योरीफिकेशन चेम्बर, और इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर का हमने एक इनपुट तो दे दिया था दूसरी मशीन में, और ऑक्सीजन का हम इनपुट दे देंगे सामने की साइड में, क्योंकि मैं सामने की साइड में ये प्योरीफिकेशन चेम्बर लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो सॉड शार्ड है जो कि केमिकल इंजेक्शन चैम्बर में बनाई थी, तो इसका ऑटो इजेक्ट ऑन करके हम इसके अंदर ये डाल देंगे शार्ड, तो इसकी प्रोसेसिंग भी यहाँ से हो जाएगी, तो आगे की एक और प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको भी एनर्जी दे देते हैं, तो ये मशीन भी काम करना स्टार्ट कर देगी। और इसके अंदर भी अपग्रेड डाल देते हैं हम, स्पीड अपग्रेड और एनर्जी अपग्रेड, तो ये बनके तैयार हो जाएगी, हमारी मशीन बनके तैयार हो जाएगी, और ये हमें और इन सब चीज़ों को और ज़्यादा प्रोसेस करेगी। और इसके बाद हमें बनाना है एक क्रशर, और इसको भी अपग्रेड करके क्रशिंग फैक्ट्री में अपग्रेड कर देना है, जितना भी टायर हम अपग्रेड कर सकें, बेसिक एडवांस या इलाइट जो भी है, इसको अपग्रेड कर देते हैं क्रशिंग फैक्ट्री को। और इसके बाद क्रशिंग फैक्ट्री को प्योरीफिकेशन फैक्ट्री के जस्ट राइट साइड में लगाना है, और ये ऑटो इजेक्ट ऑन कर देते हैं, और इसको भी अभी दे देंगे एनर्जी, तो ये भी काम करना स्टार्ट कर देगा क्रशर। और ये क्रशर क्रश करके चीज़ों को और प्रोसेस करेगा, और हमारी ओट्स को डर्टी ओट्स पाउडर में कन्वर्ट करेगा। और इसका हमें आउटपुट दे देना है ये इनरिचमेंट चैम्बर में, और इनरिचमेंट चैम्बर का आउटपुट हम दे देंगे इसमें स्मेल्टिंग फैक्ट्री में। तो इनरिचमेंट चैम्बर हमारी डर्टी डस्ट को प्रोसेस करके पाउडर बनाएगा, और पाउडर स्मेल्टिंग फैक्ट्री में जाके स्मेल्ट होगा। तो ये मेन प्रोसेसिंग है, जो कि ज़्यादातर अगर हम मॉड खेलते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग सारी दिखाई देगा, जस्ट इनफ JEI इन्वेंट्री का उसमें। और अभी इसका जो भी आउटपुट है स्मेल्टिंग फैक्ट्री में से, वो हम वापस से यहाँ से आउटपुट डाल देते हैं और इसके अंदर अपग्रेड डाल देते हैं, और ये हम वापस अपनी चेस्ट में डाल देंगे, तो ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा फुली ऑटोमेटिक कोर का सिस्टम। तो ये बन के तैयार हो गया है, हमारी सारी प्रोसेस हो गई है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें थी और हमारे पास ऑटोमेटिक आ गई हैं सारी चीज़ें, तो हमारा और प्रोसेसिंग सिस्टम मैकेनिज्म का बन के तैयार हो गया है। इसमें केमिकल्स ही थोड़े बहुत तो मुश्किल है बनाना, बाकी तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब कुछ सिंपल है, एक मशीन से दूसरी मशीन में बस आउटपुट देना है, इनपुट लेके आउटपुट देते जाना है प्रोसेसिंग करके। तो हमारा आज का मोर हो गया है, हमारा मैकेनिज्म का और प्रोसेसिंग सिस्टम बन के तैयार हो गया है, जो कि हमारी ओर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, देखो नेक्स्ट एपिसोड में।